मौसम में ठंडक घुलने के साथ ही धीरे धीरे बढ़ने लगा है तापमान। पारे में मामूली गिरावट, लेकिन ठंड की आहट नहीं। दिन रात में 15 डिग्री का अंतर आया। पेपर देने के बाद भी हजारों विद्यार्थियों का डेटा नहीं मिला। सोमवार को लिया जाएगा बीएससी का पेपर। 21 अक्टूबर को भी हुई थी ये परीक्षा। महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने की घोषणा, आज सामूहिक लेंगे अवकाश। अस्थायी सहायक प्राध्यापकों को स्थायी करने की करें मांग। कोरोना से लड़ने मेडिकल अस्पताल को मिले 33 करोड़ 38 लाख रुपए। मेडिकल की ओपीडी में 13 लाख से ज्यादा रोगियों का होगा इलाज। 6 महीने में कोरोना में मेडिकल से 466 लोगों ने गवाई जान। अब ट्रैफिक पुलिस की सिटी के एंट्री पॉइंट पर रहेगी विशेष निगरानी। आगामी दिनों में ट्रैफिक समस्या के नियोजन पर रहेगा खास जोर। यातायात विभाग के नए उपायुक्त सारंग अवार्ड ने संभाला पदभार। केवाईसी करने, डेबिट कार्ड बंद करने, मोबाइल रिचार्ज सिम कार्ड ब्लॉक करने, जियो मेंबरशिप खत्म करने का हवाला देकर इन दिनों नागपुर शहर में मच रहा है लूट। एक महीने में 61.39 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी। पुलिस अधिकारी से लेकर इंजीनियर तक को साइबर अपराधी बना रहे हैं निशाना। प्रॉपर्टी कारोबारी से लाखों की धोखाधड़ी। फर्जी दस्तावेज बना, परिचित नहीं लगाया चुना, बनाया था पावर ऑफ अटर्नी। महिंद्रा कंपनी का वाहन कम कीमत पर दिलाने का झांसा देकर 2,80,000 रुपए ठगे, ऑटो डीलर है हैदराबाद से गिरफ्तार। और अब नागपुर शहर में स्वास्थ्य के साथ जायके का मिलेगा कॉम्बो। ब्रांडेड कंपनियों ने बदली अपनी स्ट्रेटेजी। तुलसी शहद वाली मिठाइयां बढ़ाएगी इम्यूनिटी पावर। मार्केट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाइयों की रहेगी डिमांड। सूखे मेवे की मिठाई का बड़ा चलन।